के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से दो क्वेश्चन को पूछना चाहूँगी। मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे ये है कि पॉलन और मतलब पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर मतलब परागकण और सूक्ष्म बीजाणु में क्या अंतर है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लीज़ आप इन सब मतलब इन दोनों क्वेश्चन का आप ज़रूर आप जवाब देना व्हाट्सएप के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोस्पोर एंड पॉलन ग्रेन में आप किस तरह से आप डिफरेंस को बता सकते हो, जस्ट एक लाइन में आपको अपना आंसर देना है। और स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में बेसिक सा डिफरेंस, जिसमें कि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको पता है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल कल मैंने आपको पूरा रिवीजन करवाया था कि फ्लावर क्या जो मैंने सबसे पहला वीडियो इस चैप्टर में जो मैंने आपको बना के दिया था और वहाँ से कहाँ तक फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन तक मतलब पॉलन ग्रेन्स किस तरह से बनते हैं। आज हमको पढ़ना क्या है कि पॉलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पॉलन ग्रेन से क्या होता है, जो मेल गैमिट होता है वो किस तरह से उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पॉलन ग्रेन्स के बारे में। देखो यहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये कुछ कोरोना वायरस जैसा नहीं लग रहा है। तो ये क्या है, ये जो तीनों इमेज है ये पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर हैं। एक और चीज़ हम पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। तो ये सब जो प्लांट है ना, दैट मीन्स एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है ये आप ही के आसपास में होने वाले प्लांट में क्रियाएं हैं। तो जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मटर में किस तरह से फ्रूट का या बीज का कहाँ से फॉर्मेशन होता है, तो वो प्रोसेस हर प्लांट का ऐसे ही है। फिलहाल हम अभी पढ़ने जा रहे हैं पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन के बारे में क्या लिखा हुआ है, पहले हम बुक के लिखी चीज़ों को पढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली स्फेरिकल होते हैं शेप में, और अगर उनको मेज़र किया जाए तो उनका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच होता है। इट हैज़ ए प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, इसके पास क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स जो होती हैं उसके पास टू लेयर्ड वॉल होती है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन, जो आउटर लेयर होती है वो काफ़ी हार्ड होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। इस मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो एक्साइन होती है वो किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से वो बनी होती है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। मतलब जो अभी तक जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल ज्ञात है वो उन सभी में मोस्ट रेजिस्टेंट, मतलब ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ये प्रतिरोधी होती है, मतलब ऐसा अभी तक कोई भी चीज़ नहीं खोजा जा सका है जो इसके आउटर लेयर को तोड़ सके। ठीक, इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलाई। ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये इसका जो पॉलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है वो हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसमें भी क्या करता है वो वैसे का वैसे ही बना रहता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज़ सो फार नोन। मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ये जो ये पॉलन ग्रेन का जो आउटर लेयर है अभी तक कोई ऐसा एंजाइम ज्ञात ही नहीं है जो क्या कर सके, इस स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। ये है ना बहुत एक इंटरेस्टिंग सी बात कि कोई भी एंजाइम, हम कितने ज़्यादा एंजाइम्स के नाम अभी तक हमको पता चल चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फंक्शन को करने में वो सक्षम होते हैं। जो एसिड होते हैं वो तो बोन्स को भी पिघला देते हैं, लेकिन नहीं हाई टेम्परेचर, नहीं स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं कोई एंजाइम क्या कर सकता है ये जो पॉलन ग्रेन है उसकी जो आउटर वॉल होती है, उसकी जो मतलब हार्ड आउटर वॉल को क्या कर सके, उसको डिग्रेड कर सके, ऐसा कोई अभी तक एंजाइम ज्ञात नहीं है।
पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट एपरेटर्स कॉल्ड जर्म पोर। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, इसके पास क्या होते हैं, जो एक्साइन होते हैं। अब एक्साइन क्या है, एक्साइन चारों ओर से आपका स्पोरोपोलेनिन से वो क्या है, घिरा हुआ है, जो कि बहुत हार्ड होता है। इसलिए पॉलन ग्रेन में एक या दो ऐसी जगह होती है जहाँ पर कि स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, और उस जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर। अभी हम इसका फिगर भी देखेंगे। पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। पॉलन ग्रेन्स को हम क्या कर सकते हैं, वेल प्रिजर्व्ड कर सकते हैं एज ए फॉसिल के रूप में। मतलब चूंकि इस पे स्पोरोपोलेनिन नाम का एक हार्ड आउटर लेयर पाया जाता है, इसी के कारण हम इसको एज ए फॉसिल, फॉसिल मतलब जीवाश्म के रूप में इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। द एक्साइन एक्सिबिट्स ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइंस। मतलब इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के डिज़ाइंस होते हैं। मतलब जो इसका जो आउटर, मतलब स्पोरोपोलेनिन की अलग अलग स्ट्रक्चर्स के कारण हमें जो पोलन ग्रेन्स होता है वो अलग अलग स्ट्रक्चर का हमें दिखता है। इसके बाद तो ये हो गया एक्साइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है द इनर वॉल के बारे में पढ़ना है। द इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। ठीक, इट इज़ ए थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाई ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो पॉलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। वेन ए पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल, द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक, अभी मैं जब आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तब वो सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल जो इसकी थियोरी है उसको पहले हम देख लेते हैं। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ एबंडेंट फूड रिजर्व एंड ए लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इट इज़ स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस टू सेल स्टेज। इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमेट्स बिफोर पॉलन ग्रेन आर शेड थ्री सेल स्टेज। ठीक, तो अब हम इसको शॉर्ट नोट्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहली लाइन जो कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में लिख के रखा हुआ है कि जो पॉलन ग्रेन है वो क्या है, एक मेल गैमिटोफाइट है। इसीलिए मैंने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। पॉलन इज नॉट ए मेल गैमिट, इट इज़ ए मेल गैमिटोफाइट। जो पॉलन है वो एक मेल गैमिट नहीं है, वो नर युग्मक नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो एक मेल गैमिटोफाइट है। अब देखो, ये है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। दिस इज़ ए स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलन ग्रेन, जिसमें मैंने आपको बताया था एक पॉलन ग्रेन के चारों ओर, उसके चारों तरफ क्या होता है, एक हार्ड मतलब बहुत ही कड़ा आउटर लेयर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। ये एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का, ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ होता है। अभी तक स्पोरोपोलेनिन को हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और किसी भी एंजाइम के द्वारा डिग्रेड मतलब नष्ट नहीं किया जा सका है। मतलब ये हार्डेस्ट ऐसा पूरे वर्ल्ड में पाया जाने वाला एक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। उसके बाद एक्साइन के अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं इनर लेयर। ये वाली जो इनर है उसको हम बोलते हैं इनर लेयर, और इसको हम बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन जो होती है वो थिन कंटिन्यूस मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई होती है। इनसाइड ऑफ इंटाइन, मतलब इंटाइन के अंदर क्या होता है, एक थर्ड लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसको क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कवर्ड करता है, किसको घेरे रहता है, तो साइटोप्लाज्म को ये घेरे हुए होता है। मतलब साइटोप्लाज्म के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर इंटाइन, एंड इंटाइन के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक्साइन। एक्साइन किससे मिलकर बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से। इंटाइन किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से। अच्छा, एक्साइन में क्या होता है, कहीं कहीं पर मतलब ये एक या दो
क्या होता है वहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नामक ऑर्गेनिक पदार्थ जो होता है वो मौजूद नहीं होता है। उस जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर। जैसे आपका ये स्थान है तो यहाँ पे क्या इंगित कर रहा है कि इस जगह पे स्पोरोपोलेनिन नामक ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। तो जहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। इसका डायमीटर कितना होता है तो 25 to 50 माइक्रोन होता है इसका व्यास, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर आप उसको मेज़र करोगे तो कितना आएगा 25 to 50। आप देख सकते हो जो गुड़हल का फ्लावर होता है उसमें येलोइश कलर का क्या होता है पोलन ग्रेन्स पाया जाता है, वो छूने से ही पूरा हाथ में क्या होता है लग जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर के न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि इसके अंदर क्या है साइटोप्लाज्म है और उसमें क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर मतलब इस तरह से वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियस क्या करता है डिवाइड करता है, ठीक है। न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड करेगा, चूँकि पोलन ग्रेन क्या है पोलन ग्रेन एक हैप्लॉयड है, दैट मीन्स यहाँ पे जो इसका प्लॉयडी लेवल है वो क्या है एन है। तो यहाँ पे अब हम मियोसिस डिवीज़न तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है माइटोटिक डिवीज़न होता है। माइटोटिक डिवीज़न से क्या बनता है जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो इस तरह से दो इररेगुलर सेल का निर्माण होता है। पहला मतलब पहला जो वेजिटेटिव सेल बनता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है जिसमें कि इररेगुलर न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा जनरेटिव सेल बनता है जिसमें कि क्या होता है जिसमें जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन इसका जो वेजिटेटिव सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक। और वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म कंटेंट बहुत हाई होता है, लेकिन जनरेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म कंटेंट होता है वो बहुत ही लो होता है। लगभग 60% एंजियोस्पर्म क्या करते हैं इसी टू सेल की अवस्था में, मतलब इसी अवस्था में क्या करते हैं पोलन ग्रेन्स को अपने पुष्प से वो निकाल देते हैं बाहर की ओर, वो उसको उड़ा देते हैं या स्प्रे कर देते हैं या निकल जाते हैं किसी के भी माध्यम से हवा के द्वारा या कीट पतंगों के द्वारा वो निकाल दिया जाता है। लेकिन लगभग 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है थ्री सेल्ड स्टेज होता है, मतलब इस जनरेटिव सेल में एक बार फिर से एक और बार माइटोटिक डिवीज़न होता है और जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बनाती है टू मेल गैमिट का फॉर्मेशन करती है। इसके ये जनरेटिव सेल एक बार और डिवाइड होता है और टू मेल गैमिट का फॉर्मेशन करता है। तो ये पूरा क्या है एक पोलन ग्रेन का वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से मैं अपने इस पूरे लेक्चर को आपको रिवाइज में करवा देना चाहती हूँ। आज हमने पढ़ा द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इज नॉट ए मेल गैमिट, मतलब ये मेल गैमिट नहीं होता है, ये क्या है मेल गैमिटोफाइट है, ठीक। मेल गैमिटोफाइट का मतलब क्या होता है कि जो क्या करे मेल गैमिट को अपने अंदर धारण करे। अब जो पोलन ग्रेन होता है पोलन ग्रेन दो तरह के लेयर्स के द्वारा घिरा रहता है। फर्स्ट जो लेयर होती है वो एक्साइन जो कि स्पोरोपोलेनिन नामक अत्यधिक कठोर पदार्थ की बनी होती है। इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन जो कि सेलुलोस एंड पैक्टिन की बनी होती है। एक्साइन में जहां पर स्पोरोपोलेनिन नामक ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। अब इसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करता है माइटोटिकली डिवाइड करता है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। जब उसमें समसूत्री विभाजन, जैसे आप जानते हो एक सेल में जब समसूत्री विभाजन होगा तो टू सेल का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे ही यहाँ पर टू सेल बनते हैं। पहला वेजिटेटिव सेल बनता है दूसरा जनरेटिव सेल बनता है, इसको बोलते हैं टू सेल स्टेज। और लगभग 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसी अवस्था में क्या होते हैं पोलन ग्रेन को निकाल दिया जाता है। और इसके बाद एक और स्टेज आती है जिसको बोलते हैं थ्री सेल्ड स्टेज। इसमें क्या होता है जो जनरेटिव सेल होता है उसमें फिर से माइटोटिक डिवीज़न होता है, मतलब समसूत्री विभाजन होता है और जनरेटिव सेल से फिर और दो सेल बनते हैं जिसको बोलते हैं टू मेल गैमेट। तो 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में थ्री सेल अवस्था में उसको शेड किया जाता है। तो आई होप आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा प्लीज़ आप उसका रिप्लाई करना। थैंक यू।